ऐसा ही आपका प्यार ही हमारी ताकत है। सुप्रीम पावर न्यूज को मिल रहे आपके स्नेह और प्यार के लिए सुप्रीम पावर न्यूज टीम आपकी आभारी है। तो आइए बने रहे सुप्रीम पावर न्यूज के साथ और देखिए आज की प्रमुख खबरें। बड़ी खबर महाराष्ट्र के गोंदिया से। नागपुर पुलिस ने गोंदिया में चलाया तलाशी अभियान, 18 करोड़ नगद सोने के आभूषण जब्त। एक गोपनीय सूचना के बाद नागपुर पुलिस का एक काफिला शनिवार को गोंदिया पहुंचा और स्थानीय पुलिस बल की सहायता से उन्होंने सुबह 11 बजे गोंदिया के सिविल लाइंस के काकाजी चौक पर स्थित अनंत नवरत्न जैन उर्फ सोंटू जैन के दरवाजे पर दस्तक दी और कथित तौर पर करोड़ों रुपए से अधिक की नकदी जब्त की। इस इमारत के कपड़े के कारोबार से जुड़े होने की अफवाह और सूत्रों के मुताबिक तलाशी अभियान के दौरान पर्याप्त मात्रा में नकदी, सोना, गहने और संपत्तियों से जुड़े दस्तावेज मिले। सूत्रों ने कहा कि कुछ फर्जी गेमिंग ऐप की भूमिका जांच के दायरे में और जैन कथित तौर पर दुबई में शरण ले रहा। इस बीच इस रहस्य को उजागर करने के लिए आयकर विभाग की सहायता मांगी जा सकती है। देखिए पूरी खबर सुप्रीम पावर न्यूज पर। आरोपी विरुद्ध आरोपी पैसे होते पैसे अनऑफिशियल चैनल्स कडून दिले, परंतु त्याचे पण पुरावा यांच्याकडे मोबाईल मध्ये व्हाट्सअप चॅटच्या माध्यमातून आहे। काही थर्ड पार्टी अकाउंट्स मध्ये हे रक्कम देण्यात आला होता। ते जे काही अकाउंट्स यामध्ये इन्वॉल्व्ड आहे ते अकाउंट्स फ्रीजिंगची कंपनी प्रक्रिया सुरू करण्यात आली। तर हे गेम कशा पद्धतीचे होते आणि या सगळ्यामध्ये कशा पद्धतीने लिंक शेअर केल्या जातात की व्हॉट्सअपवर काही ॲप दिल्या जातात? ते त्यामध्ये यांचे युजर नेम पासवर्ड तयार करण्यात आला होता। ज्यावेळी यांना खेळायचे होता तर एक कॅश किंवा ऑनलाईन पैसे या आरोपीकडे ट्रान्सफर करायचे, त्यानंतर त्या आरोपीने यांचे अकाउंटमध्ये कॉईन्स टाकायचे आणि ते कॉईन्सच्या माध्यमातून ते खेळायचे। ते गेममध्ये तीन पत्ती, रमी, क्रिकेट आणि वेगवेगळी गोष्टीवर जे कसिनोमध्ये जशा प्रकारचे चालते अशा प्रकारचे आणि क्रिकेट आणि काही स्पोर्ट्सचे बेटिंग प्रकारचे या प्रकरणात। आता या प्रकरणात आता आमचे लक्षात या जे नागपूरला आहे प्रथम अशा प्रकारची गुन्हा दाखल करण्यात आलेली आहे। आता याचे काय एक्झॅक्टली रॅमिफिकेशन्स आहे आणि काय एक्झॅक्टली किती अशा प्रकारचे आणखी डॉक्टर ॲप्स आहे याची पूर्णपणे तपासमध्ये त्याची ही मँडेट तपासची आहे।